हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरा ब्लॉग पे। और सुबह सुबह का मौसम है और सुबह सुबह निकल पड़े हैं, पता ही चल रहा होगा कहाँ जा रहे हैं। दुर्गा पूजा का सीज़न है, घर जाना है, खुशियाँ बांटना है सबसे। और मेरे साथ है राकेश और हम लोग निकले बाइक पे, क्योंकि कल जो सीन था बस का, टिकट विकेट मिल नहीं रहा था, कल से बस चल नहीं रहा है। तो हालांकि रात 10 बजे पता चला कि बस चलने लगा है, लेकिन टिकट अवेलेबल नहीं था। लेकिन हमको जाना था घर, और हम हैं क्या बोलते हैं उसको, अरे जिसमें बहुत ताकत होता है, जिगरा होता है, तो हम अपना जिगरा दिखा के निकल पड़े हैं बाइक पे। तो अभी सुबह का कुछ 6 बज रहे हैं और हम लोग लगभग अभी तक 110 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। और राकेश पहली बार इतना लंबा सफ़र कर रहा है बाइक में। आप लोगों को पता है मैं 2-3 चार अपना हो चुका है, पिछले वाले ब्लॉग में भी है। तो अभी हमको जाना है, तो ब्लॉग में बने रहिए आखिर तक, कहाँ पे रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत वगैरह आता है तो हेल्प कर लीजिएगा, नहीं आता है तो मौज कर लीजिएगा। तो ऐसे ही चलेगा आज का ब्लॉग। तो अभी फ़िलहाल नींद तो आ रहा है, सुबह सोने का टाइम है, ये भाई साहब 3 बजे से उठाती है, ये जाने के लिए इतना एक्साइटेड है, रात भर सोया नहीं। बोला सोने दे यार, सोने को दिया नहीं है, अभी निकले हैं। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ये रुमाल बांध के क्या स्टाइल मार रहा है, भाई साहब स्टाइल वाइल कुछ नहीं है, हेलमेट से बाल झड़ते हैं इसलिए इसको बांध के रखें ताकि कुछ बच जाए, नहीं तो शादी होते होते ये चले जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बने रहिए ब्लॉग पे आखिर तक, इन्जॉय द ब्लॉग। गाइज अभी हम लोग सोनपुर के पास पहुँचे हैं और फटके 4 हो गया है, हालांकि ये नॉर्मल चीज़ है तो फटने वाला था। तो अभी बैग वैग सब रख दिए हैं, थोड़ा कमर को सीधा कर लेते हैं, पता नहीं हड्डियों में दर्द हो रहा है, मसल्स तो है नहीं। और मैं चला रहा था, अभी राकेश थोड़ी देर चलाया है, नया बाइक है इसका, दिखाते हैं आपको। नया बाइक है, अभी तक चला नहीं है इतना दूर एक साथ, तो थोड़ा रेस्ट करने देते हैं, इंजन विंजन जाएगा, सर्विसिंग वर्सिंग हुआ नहीं है, 500 किलोमीटर चला है, उसके बाद हम लेके एक बार में 600 किलोमीटर चलाएंगे। तो गाड़ी तो सेक्सी लग रहा है लेकिन सीट बहुत छोटा है गाइस। मेरा तो पीछे कम जगह है लेकिन उससे भी कम जगह इसका सीट है, जगह नहीं हो रहा है, पकड़ के बैठ नहीं पा रहे। और इतना सारा सामान, एक बैग 3 और ये 4 बैग, अरे बताओ इसने एक हेलमेट भी नहीं खरीदा, कंपनी से फ्री का दिए थे वही पहन रहा है, इतना मस्त गाड़ी, उसके साथ ऐसा फुटपाथ वाला हेलमेट। अपना हेलमेट थोड़ा दिखा दो। वो हेलमेट पुराना हो गया, पुराना नहीं हो गया, पुराना ही था। ये रोड है और इस तरफ ये रोड है, रोड ही रोड है और हम रोड के किनारे हैं। अभी 9 बज रहा है, तकरीबन 250 किलोमीटर आ चुके हैं और 300 किलोमीटर है, देखते हैं। तो ट्राई करेंगे 3-4 बजे पहुंचने का, देखते हैं कहते हैं। राकेश को चलाना नहीं आ रहेगा, इसलिए धीरे धीरे चला रहा है, लगता है शाम को पहुंच जाएगा। तो पहली बार चला रहा है इतना लहंग, वो धीरे 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 करके चला रहा है। लोग सब हमें देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, रोड के बीच में खड़ा होके वीडियो काहे बना रहे हैं। अब तो यही है, तो आगे जाते हैं फिर से थोड़ा बात करेंगे गाइज। तो अभी हम लोग ना तकरीबन भवानीपटना के पास पहुंच चुके हैं, तो आज अभी 12 बजा है और 12 बजे हम लोग पहुंच गए भवानीपटना, तो बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। लेकिन अब फील ऐसा हो रहा है कि माफ़ कर दो भगवान, गलती हो गया, दोबारा नहीं करेंगे, हर बार ऐसे ही लगता है, फिर भी आ जाते हैं, क्या करें, अभी निकल जाते हैं, घर पहुंचना पड़ेगा। तो हालत ख़राब हो ही चुका है, अभी देखते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं क्योंकि इधर सूज रहा है, इधर सूज रहा है, नीचे सूज रहा है, सब सूज रहा है, इनको मज़ा आ रहा है, नया एक्सपीरियंस नहीं। और बैग वैग झुला के बहुत दर्द हो रहा है गाइस। आप कोशिश करें कि कभी बाइक से ना आए, कभी ट्राई भी मत कीजिए, कुछ मज़ा नहीं आता है। बाइक का टूर, लॉन्ग जर्नी मज़ा आता है ना भाई, प्लानिंग करते वक्त मज़ा आता है,
100 किलोमीटर सही है, 200 किलोमीटर से उससे ज़्यादा जल्दी हो गया भगवान, दोबारा नहीं होगा। जैसे दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, हो चुका है, हेलमेट पहन पहन के थोड़ा धूप भी हो रहा है। सुबह ठीक था, थोड़ा कोहरा कोहरा था, ठंड वगैरह लग रहा था, अच्छा लग रहा था। अभी मौसम बिगड़ गया, भयानक धूप हो रहा है, तो धूप भी लग रहा है अभी, तो अभी निकलना है। और खाना वाना खाते हैं, 3 बजे तक पहुंच जाएंगे शायद घर, अभी और 120-130 किलोमीटर है बस। चलिए मिलते हैं आगे।